कल रात को जब इस घटना के बाद विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने मीडिया से बात की, तब ये दोनों महिला पहलवान बहुत भावुक थी और लगातार रो रही थी। और इस दौरान उनके साथ एक और महिला थी जो लगातार इन महिला पहलवानों को चुप करा रही थी। बहुत सारे लोग इस महिला को विनेश फोगाट या साक्षी मलिक की माँ समझ रहे थे। अभी तक हमने, जब से ये प्रदर्शन शुरू हुआ है, हम कई दिनों से इस महिला को लगातार इन पहलवानों के पीछे बैठे हुए देखते हैं। और जब ये हमारी पहलवान रोती हैं तो उससे भी ज़्यादा आगे बढ़कर ये महिला रोती है। लेकिन अब ज़रा सच्चाई जान लीजिए कि ये महिला असल में है कौन। सच्चाई ये है कि ये महिला इन पहलवानों की ना तो माँ है और ना ही इनके परिवार से आती है, बल्कि ये महिला एक प्रोफेशनल आंदोलनजीवी है। यानी ये हर आंदोलन में नज़र आती हैं। और इस महिला का नाम है सुदेश गोयात। सुदेश गोयात हरियाणा की रहने वाली हैं और वो खुद को एक सामाजिक कार्यकर्ता बताती हैं। लेकिन सच ये है कि वो हर उस आंदोलन में शामिल होती हैं जो सरकार के खिलाफ होता है। सुदेश गोयात के आंदोलनजीवी बनने की शुरुआत वर्ष 2015 से हुई थी, जब उन्होंने वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर हुए आंदोलन में हिस्सा लिया था, विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। इसके बाद वो किसान आंदोलन में भी शामिल हो गई और अब वो जंतर मंतर के इस आंदोलन का भी हिस्सा हैं। और उनकी ये सारी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये काफ़ी चर्चित तस्वीरें हैं, वो हर आंदोलन में दिखाई देती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आंदोलन से छुट्टियां लेने के बाद सामान्य दिनों में ये महिला कैसे रहती है? ये इस महिला की कुछ और तस्वीर आप देखिए। ये उनकी आम जीवन की, आम दिनों की तस्वीर हैं जब वो आंदोलन में शामिल नहीं होती। देखिए, मैं पूछना चाहती हूँ दिल्ली कमिश्नर से, अगर इन दोनों तीनों बेटियों में से एक कमिश्नर की बेटी होती तो क्या गुनहगार ब्रजभूषण आज भी ऐसे घूम रहा होता? भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष और पूर्व एथलीट पीटी उषा जब कल प्रदर्शन कर रहे इन पहलवानों से जंतर मंतर पर मिलने के लिए गई, तब इसी महिला जिसका नाम है सुदेश गोयात, इसी आंदोलनजीवी महिला ने पीटी उषा के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया था, धक्का मुक्की की थी, उनका अपमान किया था, अपशब्द कहे थे। इसलिए आज हमारा सवाल यह है कि क्या पीटी उषा किसी की बहन बेटी नहीं है? और जब पीटी उषा के साथ ये दुर्व्यवहार हुआ, तब ये तमाम लोग इस पर चुप क्यों थे? कल की तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर कहीं दब गई, इसे किसी ने दिखाया नहीं। क्यों नहीं करे ऐसा?